हमारा फर्स्ट जो टूल है वो हमारे पास पिक टूल है, और पिक टूल आपके पास यहाँ पे आपको टूल बार के अंदर बिल्कुल फर्स्ट पे शो हो रहा है। अगर आप अपने माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आते हैं तो इसके ऊपर आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, और उसके अलावा पोजीशन करने के लिए, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं, पोजीशन कैसे करते हैं, या ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, तो उसको समझने के लिए हम यहाँ से रेक्टेंगल एक ले लेंगे। ये आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल टूल है, इसकी शॉर्टकट की F6 है। आप इसको यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं। हम उसका लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये आपके पास एक्टिव हो जाएगा। आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा कर ली। अब हम यहाँ पे पिक टूल का वर्क देखते हैं। अब पिक टूल, जैसे मैंने कहा कि ये आपकी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, उसके अलावा पोजिशनिंग के लिए, या फिर ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट करने के लिए। अच्छा, अब ये आप जब ने एक रेक्टेंगल ड्रा किया है, ये अभी सिलेक्ट नहीं है आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है, आप माउस का लेफ्ट क्लिक, पिक टूल को सिलेक्ट करके माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। आपने ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्ट करना है तो इसके अराउंड में आपके पास 8 जो आपके पास हैंडल्स शो हो रहे होंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपके पास 8 हैंडल्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये हाईलाइट हो जाएंगे। सेकंड इसमें था कि हम पोजीशन को के लिए इसको यूज़ करते हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको आप चाहें तो बॉटम में पिक टूल के साथ सिलेक्ट करके इसको पोजीशन कर लें, या तो इसको राइट साइड में आप इसको प्लेस कर लें, या इसके अलावा आप इसको टॉप राइट साइड में प्लेस कर लें, या फिर आप इसको लेफ्ट राइट साइड में प्लेस कर लें। तो पिक टूल के साथ आप इसकी जो पोजीशनिंग है वो भी कर सकते हैं, मींस कि इसको मूव कर सकते हैं। आपको उस वक्त अपने पिक माउस के, जब आप इसको एक बार सिलेक्ट कर लो, उसके बाद अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को आप प्रेस करके रखोगे और फिर इसको मूव करोगे, तब ये आपका मूव होगा। और नेक्स्ट थिंग इसके अंदर थी कि ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मुझे स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है, तो इसके लिए जो ये आपके पास हैंडल्स हैं, ये आपके पास यहाँ पे 8 हैंडल्स शो हो रहे हैं। अगर आप ये जो हमारे पास कॉर्नर्स में हैंडल हैं, ये वाला हैंडल, इसके अलावा ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इन कॉर्नर्स की मदद से आप इसको स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। लाइक मैं इस कॉर्नर पे जाके माउस का लेफ्ट क्लिक करता हूँ और इसको मैं आउटसाइड ड्रैग करता हूँ, ये इसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसी हैंडल को क्लिक करके ड्रैग करते हुए डाउनवर्ड लेके आता हूँ तो ये स्केल डाउन हो जाएगा, ठीक है। हम इसको कोई कलर दे लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कलर अप्लाई करने के से पहले आपका वो ऑब्जेक्ट, अभी ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं है, हम इसके ऊपर जा क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कोई भी जो कलर है वो अप्लाई कर देंगे तो वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। अच्छा, अब ये वाले 4 हैंडल्स जो हैं, आउटर कॉर्नर्स वाले 4 जो हैंडल हैं, ये तो हमारे पास स्केल अप करने के लिए या स्केल डाउन करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। अब जो इनर हैंडल्स हैं, लाइक ये हैंडल है आपके पास, या ये हैंडल है, या ये हैंडल, या ये हैंडल है, इन हैंडल्स की मदद से हम इनको स्ट्रेच या कंप्रेस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको राइट साइड पे स्ट्रेच करता हूँ तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से डाउन साइड, मतलब डाउनवर्ड करता हूँ, तो ये इस साइड पे स्ट्रेच हो जाएगा। इसी तरह आप इस डायरेक्शन में भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आप कंप्रेस करना चाह रहे हैं तो आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं इन हैंडल्स की मदद से। सो 8 हैंडल्स में से जो आउटर 4 हैंडल्स हैं, उनकी मदद से हम स्केल अप या स्केल डाउन करते हैं, और इन जो हमारे इनवर्स हैंडल्स हैं उनके साथ हम इनको स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर एक बार और क्लिक करें, हमने एक बार इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया पिक टूल के साथ, थर्ड टाइम अगर हम इसको सिलेक्ट अगेन सिलेक्ट करते हैं तो इसके ये हैंडल चेंज हो जाएंगे। अब आपके पास ये वाले जो आउटर हैंडल्स हैं 4 कॉर्नर्स में, ये आपके पास रोटेशन हैंडल हैं। आप इसकी मदद से अपने ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कर सकते हो। और जो ये इनर हैंडल्स हैं आपके पास, ये वाले 4 जो हैंडल्स हैं, इनकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हो, ठीक है। अब हम इनको रोटेट या स्क्यू कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
अगर मैं इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ, ये आपके पास जो सेंटर आ रहा है, ये पॉइंट, ये आपके पास सेंटर है। आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इस सेंटर के अराउंड रोटेट करेगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करके इसको रोटेट करता हूँ, आप देखें आपके पास ये ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, इस सेंटर के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ, फिर ये यहाँ से सेंटर से रोटेट करेगा, सेंटर के जहाँ पे सेंटर है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर मैं इसको लाइक यहाँ पे डबल क्लिक करके ये अपना जो सेंटर है उसमें चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये सेंटर मेरे पास है, इसको मैं अगर यहाँ से मूव करता हूँ यहाँ पे, अब ये सेंटर हमारे पास यहाँ पे डिफाइन था, अगर मैं इस सेंटर को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, और अब मैं अगर इसको रोटेट करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट इस सेंटर के अराउंड रोटेट होगा। अब देखें मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ, तो आप देखें ये अब इस सेंटर के अराउंड रोटेट कर रहा है इस तरह से। तो हम इसको अपनी मर्जी से जो सेंटर है वो फिक्स कर सकते हैं किसी भी जगह, और अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के अंदर भी शो रहता है एंगल ऑफ रोटेशन, आप अपने ऑब्जेक्ट को जितने भी एंगल में रोटेट करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे उसकी वैल्यू दे सकते हैं। लाइक मैं 15 का एंगल यहाँ पे देता हूँ, तो ये 15 डिग्री में रोटेट हो जाएगा इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री देता हूँ तो ये 0 डिग्री में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये चार हैंडल्स को हमने देख लिया, ये तो रोटेशन के लिए यूज़ होते हैं, और अब ये जो आपके पास इनर हैंडल्स हैं ये आपके पास स्क्यू के लिए यूज़ होते हैं। आप इसकी मदद से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस डायरेक्शन में, इसको आप इस डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपवर्ड इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आउटर हैंडल्स जो हैं इनकी मदद से आप रोटेट कर रहे होगे, और इनकी मदद से आप इसको इस तरह से आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होगे अपने ऑब्जेक्ट्स को। और इसके अलावा जो पिक टूल होता है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैं एक और रेक्टेंगल लेता हूँ, हम जब भी किसी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे कर्सर के अंदर वो टूल आ रहा होता है, ठीक है। अब मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया है तो कर्सर में रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा हो गई है, अब अगेन मैं ड्रा करूँगा तो रेक्टेंगल ही ड्रा होगी। अब मुझे अगर पिक टूल पे अगेन स्विच करना है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बार बार यहाँ पे पिक टूल पे जाके ना क्लिक करूँ, मैं सिर्फ यहाँ से पिक टूल जो है कोई शॉर्टकट की प्रेस करूँ और पिक टूल को एक्टिव कर लूँ, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो आपके पास स्पेस बार है। आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करोगे तो पिक टूल एक्टिव हो जाएगा। अब देखिए कर्सर पे यहाँ पे रिक्टेंगल टूल आ रहा है, अगर मैं स्पेस बार को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो टूल एक्टिव होगा वो मेरे पास पिक टूल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास अभी देखें कर्सर पे टूल आ रहा है रिक्टेंगल टूल, मैं कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, पिक टूल एक्टिव हो जाएगा। अब देखें कर्सर आपकी चेंज हो गई है, अब आप इसको सिलेक्शन के पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हो, और ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, मूव करवाना है तो आप इसको मूव भी करवा सकते हो। पिक टूल आपको स्विच करना है आपने, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे स्पेस बार को।